अरे ये तो सिर्फ 3,000 की है। तुम अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में 5 स्टार में जाओगी और इतनी सस्ती ड्रेस पहन के जाओगी। बेटा बेटा अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों से दोस्ती करा करो। क्या सुनीता भी हमारे साथ जाएगी? ओहो उसको क्यों लेकर जा रहे हो? अरे वो इतनी महंगी जगह अफोर्ड थोड़ी ना कर सकती है। ढाबे पे प्लीज यार रमनी प्लीज कुछ तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चला करो। अरे इसमें स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आ गई? स्कूटर पे शनाया हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कार्स हैं और तुम स्कूटर पे आओगी? अब लगता है शनाया के फोन से स्वाति का मैसेज चला है क्या? अब फाइनली शनाया का स्वाति से पीछा छूटा। अंदर भी नहीं आने दिया। उसकी मम्मी बालकनी में आई और बोली कि तुम चले जाओ यहाँ से, अब स्वाति से बात करने की जरूरत नहीं है, स्वाति अब तुम्हारी दोस्त नहीं है। अच्छा वैसे तो अच्छा ही हुआ। तुमने कुछ कहा? नहीं 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 मैं तो कह रही थी कि बेटा जो हो गया सो हो गया, रोते नहीं है आप और न्यू फ्रेंड्स बना लो। आपकी क्लास में तो कितनी सारी हाई फाई गर्ल्स है, कियारा सान्या उनसे फ्रेंडशिप करो ना। नहीं मुझे सिर्फ स्वाति से ही दोस्ती करनी थी। ओहो रमनी संभालो ना आप इसे, मैं ना तैयार होने जा रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ 5-स्टार होटल में लंच पे जाना है, आप संभालो ना प्लीज। कोई बात नहीं बेटा रोते नहीं, चुप हो जाओ। बात बताओ नाया, तुमने क्या शनाया के फोन से स्वाति को मैसेज किया था क्या? हाँ जी मामा मैंने किया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी बहन एक लो स्टैंडिंग वाली लड़की से दोस्ती कर रखे। अरे बाबा चाहती तो मैं भी नहीं थी, पर अब चलो जो हुआ तो अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। मैं ना अभी तैयार हो जाती हूँ, मुझे ना जाना है प्लीज। हाँ लेटर। हाँ भाई मोंटी क्या हाल है? चलो बढ़िया है, मैं भी ठीक हूँ। बहुत मस्त चल रहा है यार, एक बहुत बड़ी डील में पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट हो गई है यार, बस अब पेमेंट क्लियर हो जाए तो मजा आ जाए। अरे सुन यार मैं तेको थोड़ी देर में फोन करता हूँ यार। आया बेटा ऐसे उदास नहीं बैठते, तुम एक बार स्वाति से बात करने की कोशिश तो करो, उससे पूछो तो सही कि अब वो तुमसे दोस्ती क्यों नहीं रखना चाहती। पापा वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका भी कोई ना कोई सलूशन मैं निकाल लूंगा। ओहो ये तान्या का फोन क्यों आ रहा है? ओहो कि तान्या मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? इसको क्या लगता है मैं इसकी तरह डाउन मार्केट जैसे लोगों से बात करने वाली हूँ? हेलो क्या बात है तान्या, तुम बार बार मुझे फोन क्यों करती रहती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ और मेरी क्लास और तुम्हारी क्लास के बीच में कोई मैच नहीं है। ओके सो डोंट कॉल मी। अनन्या दीदी मेरे को किचन के अंदर से बिस्किट निकाल के दे दो ना। कौन से? वो सस्ते वाले? हाँ जी वो मेरे फेवरेट है। सियान तू ना अच्छी सी कुकीज खाया कर, महंगे वाली, ये सस्ते वस्ते वाली नहीं। आ मैं
मैं तेरे को चॉकलेट वाली कुकीज निकाल के देती हूँ, बहुत यम्मी होती हैं और हम दोनों मिल के खाएंगे। ओके चल चलते हैं। Later. अरे क्या हो गया, सुनो तो सही, पूछो मत। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपको पता है नीना इतनी गंदी ड्रेस पहनकर आई थी, इतनी सस्ती और गंदी, उसको देखकर मुझे शर्म आ रही थी, मुझे अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। पर तुम तो कह रही थी वो बहुत अमीर है। अमीर है नहीं, अमीर थी। उसके हस्बैंड को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, अब वो अपना घर भी शिफ्ट कर रही है किसी डाउन टाइप कॉलोनी में। अच्छा, मैंने तो उसे बोल दिया है मैं नहीं आऊंगी उस छोटे से घर में। अरे पर ये क्या बात हुई रमनीक, इस टाइम ना आप मुझे मत सिखाओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरा ना मूड बहुत खराब है बस। क्या हुआ दीदी, पेट में दर्द हो रहा है, जाओ मम्मी को बुला कर आ। क्या हुआ नान्या, क्या हुआ? मम्मी पेट में बहुत जोर की दर्द हो रहा है। तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? मम्मा मैंने वो चॉकलेट वाली कुकीज खाई थी। वो पर्पल बॉक्स वाली? हाँ। वो तो खराब थी बेटा, मैंने तो फेंकने के लिए साइड रखी थी। और किस किस ने खाई? सियान, मेरे को पसंद नहीं आई इसलिए मैंने छोड़ दी। ओ गॉड, अनान्या मैं आपको ना बेटा मेडिसिन दे देती हूँ, आप ना एक दो दिन स्कूल की छुट्टी कर लो, आराम करो, मैं दवाई लाती हूँ। Later. अरे क्या हुआ पुनीत, किसका फोन आ रहा है, उठा क्यों नहीं रही? नीना का, नहीं उठाना मुझे। अरे तो उठा लो ना। नहीं रमनीक समझा करो, मैं उसका फोन अब नहीं उठा सकती। अरे अगर वो अमीर नहीं रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उससे दोस्ती तोड़ दोगे, उसका फोन उठाना बंद कर दोगे। रमनीक लेट्स बी वेरी क्लियर, अब मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकती, ना वो अब अच्छे कपड़े पहन सकती है, ना अच्छी जगह घूम सकती है, अब मैं तो उसके जैसे गंदी जगहों पे नहीं जा सकती ना, मेरा भी तो कोई स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी। और हाँ, कल को उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर देने हैं फिर। अरे तो मदद मांगेगी तो कर देना, मदद मांगने से तो तुम छोटी थोड़ी हो जाओगी, बड़ी ही होगी। तुम्हें याद है ना जब मोंटी परेशान था तो उसने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने उसकी मदद करी थी। प्लीज रमी, मैं आपकी जितनी महान नहीं हूँ, मुझे रहने दो, मुझे मत समझाओ। Three days later. Hello? Hi, Nanya. जी हाँ, मैंने दो दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रही थी, क्या क्या पढ़ाई हुई है बता देना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जी हाँ प्लीज बता दे कोई इम्पोर्टेंट पढ़ाई या अनाउंसमेंट सही तो। अच्छा हाँ, कल ना मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। टेस्ट? उसमें कौन से चैप्टर आ रहे हैं? अब ये सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा बाय, मैं जा रही हूँ। कोहल कॉल किया? रूही को कॉल करती हूँ। हेलो 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 रूही, तेरे बैकग्राउंड में इतना नॉइज क्यों है? तू डांस क्लास में है क्या? किसने भी फोन काट दिया? मैं किससे पूछूं, मुझे तो सिलेबस तक नहीं पता, कैसे पढ़ाई करूंगी मैं? मुझे लगता है मैं उसी चैप्टर का टेस्ट ले दी होंगी जो मैम ने लास्ट 2 डेज में पढ़ाया है, पर मुझे वो चैप्टर आता तक नहीं है और मुझे चैप्टर का नाम तक नहीं पता। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सांप ने खेतों में डरा दिया, लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। सांप दिखा वहां पर मेरे को, यू वोंट बिलीव दिस वीडियो। देखने के लिए क्लिक 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 क्ल